राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज सिनेमाघर तक दर्शकों को लाने में नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं इसी बीच अक्षय कुमार एक बार फिर लाइमलाइट में नजर आए। दरअसल अक्षय कुमार अपने एक विज्ञापन को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि संडे को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था और इस दौरान जब अक्षय कुमार की पान मसाला की नई एड टीवी पर दिखी तो फैंस हैरान रह गए। इस एड में उनके साथ शाहरुख खान और अजय देवगन भी थे। गौरतलब है कि इससे पहले पान मसाला का एड करने पर अक्षय कुमार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि भविष्य में वे इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर से अक्षय कुमार को वैसा ही करता देख फैंस हैरान रह गए हैं। वे सोशल मीडिया पर एक्टर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अक्षय ने इससे पहले पान मसाले के एड को लेकर जो माफ़ीनामा जारी किया था उसमें लिखा था, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बीते कुछ दिनों में आपके रिएक्शन ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। विज्ञापन से मिली फीस को मैं अच्छे कार्य में लगाऊंगा। यदि ब्रांड चाहता है तो वह एड को तब तक प्रसारित कर सकता है जब तक इसके कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि पूरी नहीं होती, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में पूरी समझदारी के साथ एड का चयन करूँगा। एक यूज़र ने इस नए एड को देखने के बाद कमेंट किया है, अक्षय कुमार ने पान मसाला एड के लिए माफ़ी मांगी थी, अब फिर से वही पैसा क्या कुछ नहीं करवा देता। तो एक अन्य ने लिखा, अक्षय अब तू तो गया बेटा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।